नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूसी सेना में भर्ती सभी भारतीयों को छुट्टी देगा रूस। मोदी द्वारा पुतिन के समकक्ष मामला उठाए जाने के बाद लिया गया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मामला उठाए जाने के बाद रूसी सेना में काम कर रहे सभी भारतीय नागरिकों को छुट्टी देने और उनकी वापसी की सुविधा देने का फैसला लिया है। उम्मीद की जा रही है कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष में दो लोगों की मौत के बाद भर्ती हुए भारतीयों के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएगा और उनकी शीघ्र रिहाई की मांग करेगा। भारत से अपेक्षा की गई थी कि वह रूस यूक्रेन संघर्ष में भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएगा और उनकी शीघ्र रिहाई की मांग करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ इस मामले को जोरदार ढंग से उठाया। गौरतलब है कि जून में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में रूसी सेना में भर्ते हुए दो भारतीय नागरिक मारे गए थे। भारत ने रूसी सेना में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों के शीघ्र रिहाई और वापसी का मामला उठाया था। आपको बताते चले, जयशंकर ने एनआई को बताया कि कई भारतीयों को रूसी सेना में की सेवाओं में लगाया गया है। जब वे वापस आएंगे तभी हमें पूरी स्थिति का पता चलेगा, लेकिन परिस्थितियाँ जो भी हो हमारे लिए अस्वीकार्य है कि भारतीय नागरिक स्वयं को युद्ध क्षेत्र में दूसरे देश की सेना में पाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले पर रूसी रक्षा मंत्रालय से संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने अप्रैल में पुष्टि की थी कि जो भारतीय नागरिक रूसी सेना में सहायक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे उनमें से 10 भारत लौट आए हैं। आकर्षक नौकरियों के बहाने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना के लिए लड़ने के लिए कथित तौर पर 20 अन्य लोगों को धोखा दिया गया था। इस बीच पुतिन और पीएम मोदी ने नाओ आगोरियोवो में रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर अनौपचारिक वार्ता की, जहां पुतिन ने भारतीय नेता को उनके दोबारा चुने जाने पर बधाई दी और इनका श्रेय मोदी के दीर्घकालिक समर्पण और प्रभावी शासन को दिया। पुतिन ने मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व और नए विचारों और भारत और उनके लोगों के लिए लाभकारी परिणाम देने की क्षमता पर प्रकाश डाला। पुतिन ने मास्को के बाहर एक आवास में अनौपचारिक बैठक करते हुए पीएम मोदी से कहा कि मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि आपके कई वर्षों के काम का नतीजा है। आपके अपने विचार है, आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है। भारत और भारतीय लोगों के हित में परिणाम प्राप्त करने में सक्षम और परिणाम स्पष्ट है। सूत्रों ने TAS समाचार एजेंसी को बताया कि दोनों नेता मंगलवार को आधिकारिक वार्ता करेंगे, जिसमें ऊर्जा और व्यापार के मुद्दों सहित आर्थिक एजेंडे के साथ साथ रूस यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान बातचीत का मुख्य फोकस होगा। सूत्रों ने कहा कि यात्रा का ध्यान आर्थिक एजेंडे पर, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, उत्पादन और उर्वरक के मुद्दों के साथ साथ यूक्रेन के संघर्ष का समाधान भी शामिल है, जिसे युद्ध के मैदान में नहीं पहुंचा जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 21 वार्षिक सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला वार्षिक सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जब पुतिन ने भारत का दौरा किया था। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।